हेलो एवरीवन, मैं प्रिया। तो बहुत का कमेंट्स था दी, आप तो वीडियो बनाना बंद ही कर दिए हो लोग, कि आप ये तो बताओ कि वैकेंसी कब आएगी। अभी मेरे को कोई न्यूज़ नहीं है, अभी मेरे को कोई न्यूज़ नहीं है कि वैकेंसी कब आएगी दरोगा का, बिहार पुलिस का। लेकिन हाँ, एक मतलब बिग गुड न्यूज़ है कि SSC GD में वैकेंसी भर गई है। वैकेंसी बढ़ गई है, भरने गई है, बढ़ गई है। तो आप लोग SSC GD का भी फॉर्म भरो। पता है आपको, RPF थे, उनका एक कमांडेंट सर थे 23 वर्ष के उम्र में BMP 7 में आए थे। देखो, जनरल कंपटीशन वाले जितने भी हो, मैं यही सजेस्ट करूँगी कि सारे फॉर्म अप्लाई करो, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, SSC GD हो, RPF दरोगा हो, RPF कांस्टेबल हो, SSC जितने भी पोस्ट है ना, आप लोग फॉर्म भरो और ऑनेस्टली पढ़ाई करो। देखना आपका रिजल्ट तय है। देखो, परेशानी सबकी लाइफ में आती, मेरे घर में जितना परेशानी है, मेरे को जितना परेशानी है ना, भले ही मैं हमेशा मुस्कुराते रहती हूँ, लेकिन मेहनत करने की हमेशा ताकत रखती हूँ। तो आप सबको मैं यही बोलूँगी कि SSC GD का फॉर्म अप्लाई कर देना, ठीक है। मेरे को डेट तो पता नहीं था, क्योंकि मैं उस सब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। तो मैंने पप्पी को भेजा कि देखो, फॉर्म ज़्यादा सीट बढ़ गया है, तुम भी फॉर्म भर देना। उसका मन है मैन SI पे, लेकिन मेरे कहने का मतलब है ना, जिसमें हो जाएगा ना, हम मिडिल क्लास वालों ना समझौता कर लेते हैं, जिसमें हो जाएगा उसमें चले जाओ। कम से कम मम्मी पापा को ये लगे कि मैंने पढ़ाया तो मेरा बच्चा सफल है, सक्सेस है। और फिर अपना टारगेट पूरा करो, अपना जो एक ड्रीम होता है ना, जैसे मेरे ड्रीम ऐसा ही है, या तो स्टार या यूट्यूब स्टार, दो ही चीज़ बनूंगी अब लाइफ में, मैं बता देती हूँ आप लोग को। तो मेरे माइंड में हमेशा रहता है, इसलिए मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि पहले अपना मम्मी पापा के नज़र में सेट हो जाओ, फिर अपना ड्रीम पूरा करो, हो जाएगा। हम मिडिल क्लास वालों का कितना औकात है वो तो सबको पता है। कभी भी हम ये नहीं सोचते कि मेरे पापा टीचर है, मेरी दीदी टीचर है, मैं खुद एक पुलिस हूँ, तो मेरे में एटीट्यूड है, मेरे में कोई एटीट्यूड नहीं। लेकिन हाँ, एक बात पता है, मैं यूट्यूब छोड़ रही थी तो मेरे को मतलब पता नहीं, मन बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता तो पढ़ाई से माइंड हट जाता है। तो एक मेरी फ्रेंड थी, बहुत अच्छा फ्रेंड थी, वो बताई कि देखो, आप जैसे कांस्टेबल ढेर सारे हैं, लेकिन आपको जो एक अलग पहचान मिली है ना, ये यूट्यूब की वजह से मिली है। तो आप यूट्यूब मत छोड़ा करो। लेकिन क्या होता है, पढ़ाई नहीं कर पाती, सच पूछो तो मैं यूट्यूब बार बार चेक करती हूँ। लेकिन हाँ, सारे फॉर्म भरना आप लोग, और कमेंट करना आज का वीडियो कैसा लगा।